present here. We all know Maharaj was earlier in Chennai, was the president of Chennai Math and also vice president of Ramakrishna Math and Mission. Recently, just 4 months back, Maharaj आता संपूर्ण संघाचे अध्यक्ष झालेले आहेत आणि त्यामुळे ही आपल्याला महाराज अध्यक्ष झाल्यानंतर प्रथमच ही संधी मिळत आहे की ते पुण्याला येत आहे आणि पुण्याला आलेले आहे. 4 दिवस झाले आपल्याला त्यांचा सत्संग लाभत आहे, त्यांचं दर्शन लाभत आहे. हे सगळ्या भक्तांचं एक भाग्यच म्हणायला हरकत नाही आणि पुन्हा परत महाराज येतील. त्यांचं वय जरी 95 किंवा 96 असलं तरी अजूनही महाराजांचे ते स्पिरिट की भक्तांना आपण मदत केली पाहिजे, भगवंताच्या नावाचा प्रचार आणि प्रसार केला पाहिजे हे स्पिरिट असल्यामुळे ते तब्येतीची काळजी न करता सगळ्या भारतभर भ्रमण करतात. या वयामध्ये टेंटेटिव्हली आपण रामनवमीला आपल्या बिल्डिंगचं उद्घाटन करण्याचं ठरवलेलं आहे, अजून आपली तारीख निश्चित झालेली नाही आहे आणि तेव्हासुद्धा महाराज नक्कीच येतील. जर बिगर मठाकडून सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित झाल्या तर त्यावेळेसुद्धा महाराज येतील आणि इथे आपल्या बिल्डिंगचं ह्युमन एक्सचेंज बिल्डिंगचं उद्घाटन करतील अशी आपण आशा बाळगूया. आपण सर्व भक्त 3 दिवसापासून दररोज प्रणामासाठी येत आहात, लांब लांबवरून येत आहात. दीक्षेसाठी तर काही भक्त बाहेर गावावरून पण आलेले आहेत. त्या सगळ्यांचेसुद्धा आम्ही मठातर्फे स्वागत करतो आणि महाराज आज जाणार आहेत, परत जाणार आहेत सातत्याला. 1 घंटा त्यांचं विमान लेट झालेलं आहे. जे प्रणाम 2:45 होता तो आता 3:30 होणार आहे, 3:30 ते 4 पर्यंत आणि 4 महाराज निघणार आहे. तेव्हा ज्यांना शक्य असेल ते त्यावेळेस येऊ शकता. तर आज आपण महाराजांना विनंती केली की अनेक भक्त आहेत आणि त्यांना महाराजांचं आशीर्वचन हवं आहे. आपण याला व्याख्यान म्हणत नाही तर गुरुचं आशीर्वचन असते, महापुरुषांचं आशीर्वचन असते. ते जे काही बोलतात त्यामध्येच त्यांचा सगळा संदेश असतो आणि आपल्या सगळ्यांच्या हिताचा असतो. तेव्हा जास्त वेळ न घेता मी महाराजांना विनंती करतो की त्यांनी आपले आशीर्वचन देऊन सगळ्या भक्तांना धन्य करावं. नमस्कार. जय राम कृष्ण. वो पीछे जो बैठे हैं सुन पा रहे हैं? आप सुन सकते हैं पीछे जो बैठे हैं? ठीक है. ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. प्रिय स्वामी श्रीकान्तानन्दजी, अन्यान्य साधुवृन्द एवं मेरे प्याये भक्त भाइयो बहनो और दूसरे भक्ति और आदर के अर्ह बड़े सज्जनों, आज को वो बड़ा सुंदर दिन, पुण्य दिन ऐसा मानता हूँ. यस, पुणे नगरी में हर साल मैं आता हूँ. इस साल भी आया हुआ हूँ. हर साल रामनवमी के समय आता था, इस बार गणपति के उत्सव के समय आ गया. फिर राम हो या गणपति हो तो भगवान तो मिले हमको, सो ये इसीलिए हमें बड़ा आनंद है ये गणपति के उत्सव यहाँ के आप लोगों के बीच में
ये तीन दिन से रहा, तीन दिन बड़ा आनंद से बिताया है। और पुणे आश्रम के माननीय हमारे भोमानंद जी की याद बार बार आती है, इतने लंबे सालों पर वहाँ रहे, इतने प्रेमिक साधु थे, और कितने बार कितने जगह जगह में हमको भी साथ में लेके गए, छोटे छोटे गांव में भी ले गए, बड़े बड़े शहर में भी ले गए। उनके इतने उत्साह था कि महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा रामकृष्ण देव का प्रचार हो, इसलिए वे स्वामी भूतेशानंद जी को और प्रभु महाराज को सब लोगों को बार बार महाराष्ट्र में लाते थे और ले जाते थे सब जगह। इसीलिए आज को हम देखते हैं महाराष्ट्र में कई रामकृष्ण विवेकानंद के नाम पर आश्रम है, आश्रम के द्वारा लोगों को श्री रामकृष्ण देव के उपदेश प्राप्त हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण का उपदेश इस युग के लिए है, और जो जो महापुरुष आए थे राम कृष्ण बुद्ध इत्यादि, वो सभी तो बड़े बड़े अवतार पुरुष थे, फिर उनका समय चला गया। अभी इस युग के लिए अत्यंत उपयुक्त भाषा में, अत्यंत उपयुक्त रीति में, अत्यंत प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप में हमको सनातन धर्म को श्री स्वामी विवेक श्री राम कृष्ण ने समझाया। मैं सोचता हूँ कि श्री राम कृष्ण के सबसे बड़ा वर प्रसाद ये है कि श्री राम कृष्ण धर्म को घर घर के द्वार में लाए। एक छोटा सा छोटी सी घटना बताऊंगा। मैं कलकत्ते में, एक हमारा ही केंद्र है काकुरगाछी, इस जगह में काकुरगाछी कलकत्ते का एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में हमारा एक आश्रम है। तो वहाँ एक बड़े स्वामी जी थे, वो हमें बहुत प्यार करते थे। उनको देखने के लिए गया, करीब करीब 30 साल के आगे, तो उन्होंने तो रात बिताया वहाँ। सवेरे सवेरे 5-6, 6:30 बजे ब्रेकफास्ट के आगे वो मुझे बुलाया, तो आओ आओ मेरे साथ। तो मुझे पता नहीं है, नहीं लगा क्यों बुलाते हैं। मुझे पहले मंजिल पर ले गए, पहले मंजिल से सामने दिखाया, वहाँ क्या देखते हो? तो मैंने देखता हूँ, मैंने बताया, एक बड़ा चिमनी, उसके ऊपर लिखा हुआ है टाटा ऑयल फैक्ट्री, ऐसा लिखा है। इतना बड़ा चिमनी देखता हूँ, क्या समझे, ऐसा पूछा। क्या समझूँ, टाटा ऑयल कंपनी का बड़ा फैक्ट्री चलता है यहाँ, तो हम उसके पीछे पर हमारे आश्रम है, इतना समझता हूँ। हम साधु लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान लाभ है, और उसके लिए हमें ध्यान भजन जप तप करना पड़ता है। हम क्या फैक्ट्री के पीछे रहने का जगह है हमारे? आगे के ज़माने में साधुओं ने क्या किया, वो हरिद्वार में जाते थे, उज्जैन में जाते थे, काशी में जाते थे, वृंदावन में जाते थे, और रामेश्वर में जाते। हम यहाँ फैक्ट्री के पीछे आके बैठे हैं, यही हमारा स्थान है, क्यों आए यहाँ? उन्होंने बताया बात, ये भगवान श्री राम कृष्ण का इस युग के लिए वरदान है, उन्होंने हमको यहाँ आके बिठाया। टाटा की फैक्ट्री के अंदर 4,000 लोग काम करते हैं, सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक काम चलता है, शिफ्ट में चलता है। तो इन गरीबों को धर्म करने का कहाँ सा अवकाश मिलता है? कौन उनको धर्म समझाता है? और उनको लेके प्यार से उत्सवों में और बड़े बड़े सेलिब्रेशन्स में उनको कौन ले जाके भगवान का दर्शन कराता है? उनके लिए कौन सा मंदिर खुला है? ये सब उनके लिए सब जहाँ हैं, वो फैक्ट्री में रहने वाले कभी काशी में नहीं जा सकेंगे, वृंदावन में भी नहीं जा सकेंगे, और दूसरी जगह में नहीं जा सकेंगे।
श्री राम कृष्ण ने कहा चलो वो नहीं जाएंगे, हम भी उनके पास जाएंगे। श्री राम कृष्ण देव के वो बड़े एक वर प्रसाद धर्म को उन्होंने फैक्ट्री के पीछे ले गए। यहाँ हमारे आश्रम चलता है, आश्रम में जो जो उत्सव होता है पास में पीछे ही है, तो जब फैक्ट्री को बंद होता है शाम को वो आते हैं हमारे आश्रम में बैठते हैं, रामकृष्ण देव की तो मूर्ति को देखते हैं, दो मिनट बैठते हैं, कुछ प्रसाद लेते हैं। इतना करके सब लोगों के लिए यह जो धर्म क्या है, धर्म का अर्थ है भगवान हमारे हैं हम उनके हैं, इसको समझो। सारी दुनिया तुम लोगों को छोड़ देती है फिर भगवान नहीं छोड़ेंगे। हम जिसको हमारे लोग कहते हैं, हमारे लोग भी तो कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसी अवस्था में श्री राम कृष्ण हमारे आश्रय हैं, ऐसे महापुरुष का दर्शन वे रोज कर पाते हैं ये साधारण लोग। तो श्री राम कृष्ण देव हमारे घर घर में धर्म को लाने के लिए ऐसा यंत्र चलाया, उसी के कारण हम हर एक प्रदेश में प्रांत में इतने हमारे केंद्र हैं, कुछ अफिलिएटेड हैं कुछ नहीं अफिलिएटेड हैं, फिर भगवान श्री राम कृष्ण के द्वारा उन सब लोगों को आज का क्या धर्म है इसको समझाने के लिए व्यवस्था करी गई है। साधारण लोगों को भी अभी मालूम हो जाता है कि एक महापुरुष आए भगवान श्री राम कृष्ण, वो सबसे प्यार करते थे, उनके सामने कोई जाति का भेद नहीं था, भाषा का भेद नहीं था, स्त्री और पुरुष का भेद नहीं था, अपना देश परदेश का भेद नहीं था, सब भेदों को छोड़कर और सबों को प्रेम से भगवान है, भगवान तुम्हारे माता है पिताजी हैं, सारा दुनिया छोड़ेगी तुमको भगवान नहीं छोड़ेंगे, तो उनके लिए उनका नाम पुकारो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। ऐसा धर्म को समझाने वाले केंद्र है हमारे। साथ ही साथ वहाँ गरीब लोग होते हैं, हम गरीब लोगों को पिछले हजार साल से किसी ने कुछ नहीं किया उनको। स्वामी विवेकानंद के पत्रावलिया पढ़ने से बार बार स्वामी जी रोते हैं, सभी लोगों को कुछ न कुछ मिला, फिर गरीब लोगों के बेचारे, वो हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो जो भी हो, सल्तनत में जो भी राज्य करे, गरीबों को कुछ भी नहीं मिला, वो ऐसे ऐसे ही तरसते रहे। ऐसे उनको अभी कुछ करना पड़ेगा, गरीब लोगों को तो धर्म ले जाना पड़ेगा, चारों पुरुषार्थ उनको मिलना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों उनको मिलना चाहिए, हर एक आदमी को मिलना चाहिए, हर एक स्त्री को मिलना चाहिए, हर एक पुरुष को मिलना चाहिए, यही आज का धर्म है। आज का धर्म ये धर्म सिर्फ इस कौम के लिए है, इस जाति के लिए है, ऐसा नहीं चलेगा। सभी धर्मों में लगे, सभी जाति वालों को, सभी भाषा वालों को, सभी लिंग वालों को सब धर्म मिलना चाहिए। धर्म के साथ अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष का द्वारा सबको खुलो, मोक्ष के द्वारा अगर तुम समझो कि वेदाध्ययन से वेद के मंत्र से मिलता है, सबको वेद मंत्र जाके से पढ़ाओ, किसी के लिए वेद बाहर नहीं है। स्वामी श्री राम की कृपा से आज के ये जो हम देखते हैं सारे हिंदुस्तान में साधारण लोग ग्राम से आए हुए हैं, सभी जात के हैं, सभी पंथ के हैं, फिर वेद का मंत्र बोलते हैं, सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै, ये मंत्र सुनने को भी नहीं मिलता था। राम कृष्ण की कृपा से साधारण लोग अभी गायत्री का मंत्र बोलते हैं और वेद का पाठ करते हैं, और वेद ऋषियों के जैसे हमारे सन्यासियों के साथ अपने भाई भाई के मुताबिक मिलते हैं, बिरादरी करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा यही इस युग की ठीक ठीक धर्म है, शिव ज्ञाने जीव सेवा। साधारण जीव ये गरीब लोग तो ऐसे लोगों को उनके अंदर परमात्मा ही है, उनकी क्या सेवा करना, परमात्मा की सेवा है ऐसा सोचकर उनकी सेवा करना ही धर्म का सार है। जो भी तुम काम करो धर्म में, तुम मंदिर के अंदर काम करो, फैक्ट्री के अंदर काम करो, ऑफिस के अंदर काम करो, करो साथ ही साथ तुमको कम से कम कुछ घंटे जीवन में ये नर नारायण की सेवा करनी चाहिए। उसको ढूंढ के वहाँ जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे घर में, जो अड़ोस पड़ोस में
जो गरीब हैं उनको कुछ जो जो तुम्हारे पास है एक्स्ट्रा उसको उनको दो, उनके साथ भाग कर लो। यही श्री रामकृष्ण का धर्म, पहले नर नारायण की सेवा, शिवज्ञानी जीव सेवा। ये शिवज्ञान सेवा हिरण कैसा करनी चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी ने इसको पहले स्वामी श्री रामकृष्ण देव से सुना। श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन उपदेश दिया सब लोगों को, वैष्णव धर्म क्या बोलता है, उसमें बोलते बोलते अन्य नियम जो है उसके साथ ये एक नियम था, वैष्णव वैष्णवों को गरीबों पर दया करनी चाहिए, जीवों में दया करो, जीवे दया, ऐसा बोला श्री रामकृष्ण ने इसको बोल के। फिर उन्होंने उसको सिर्फ उसको कहकर ना सिर्फ दया नहीं है, जीवों पर दया करने वाला तुम कौन हो, परमात्मा ही दया कर सकते हैं, फिर जीवों की सेवा करो, जीवों की सेवा करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसा साधारण भक्तों को बताया। विवेकानंद जी ने उसको सुना, वो अचंभे रह गए, इतना बड़ा उपदेश मैंने कभी नहीं सुना, श्री रामकृष्ण देव ने ज्ञान भक्ति योग और कर्म चारों को समन्वय कर दिया, इस एक उपदेश से जीवों में भगवान को देखकर जीवों की सेवा करो, तो इसमें से आपको भक्ति भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, तुम भी आत्मा हो और दूसरा जो तुम सेवा करते हो उसके भी आत्मा है, इसका भी तुम्हारा ज्ञान होगा, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। इसी तरह तुम्हारा योग मन एकाग्र से तुम उनकी सेवा करते हो, और कर्म योग तो होता ही है, जो कर्म करते हो उनकी सेवा करते हो, तुम कोई उसके लिए फल की आशा नहीं रखते हो, बिना फल की आशा रखते हुए निस्वार्थ रूप से प्रेम से उनकी सेवा करते हो, कैसा करनी चाहिए उसका स्वामी विवेकानंद जी ने दिखाया। वो एक घटना बोलता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी सब पाश्चात्य देशों में सब धर्म का प्रचार दो बार गए थे, प्रचार करके स्वामी विवेकानंद एक युग प्रवर्तक, एक अवतार पुरुष हो गए, एक जगत गुरु हो गए, ऐसी अवस्था में वो बेलूर मठ में आए हैं, बेलूर मठ का जमीन तभी खरीदा हुआ है, वो जमीन पर बहुत काम चलता है, बगीचा लगाया जा रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, इसके लिए बहुत से संथाल ट्राइबल लोग काम करते हैं, बहुत गरीब हैं, तो उनको अच्छा खाना ही कुछ नहीं मिलता है, ऐसे लोग एक बहुत 30-40-50 लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे बड़े स्वामी जी देखते हैं तो उनसे काम कराते हैं, और उनका तो जो बंटवारा करना करते फिर बहुत सीखते हुए। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार गया तो उनसे पूछने लगे, तुम संथाल लोग तुम क्या खाना क्यों पीने को मिलता है। फिर वो लोग अपने परिस्थिति को बोलने लगे, इतनी गरीबी, इतना कष्ट, खाने को नहीं मिलता है, पहनने को नहीं मिलता है। फिर दो जून किसी तरह खाना इकट्ठा करके हमारे जीवन को हम चला रहे हैं। सुनते सुनते स्वामी जी की आंखों में आंसू बह गए, उन्होंने कहा चलो हम एक दिन तुमको अच्छी तरह खिलाएंगे, तो तुम बोलो क्या क्या बना के दें तुम। उन्होंने कहा हम तो बहुत कुछ ही चाहते हैं, फिर आपके हाथ से नहीं खा सकेंगे, हमारी जात चल जाएगी। तो अरे तो हम चाहते हैं तो आप लोगों को खिलाने के लिए ना, हम तो हमारी जात नहीं छोड़ेंगे, मेरे हमारी जात से हमको बहिष्कार कर देंगे, अलग कर देंगे, इसलिए आप जो भी खिलाए हैं हमको, हम नहीं खा सकेंगे हम। तो उन्होंने कहा चलो तुम जो जो तो शर्त है वो शर्त बताओ, वो शर्त को सब मानते हुए मुझे खिलाना ही पड़ेगा तुमको, बोलो। सी गरीब लोग उनको ये खिलाने वाले हैं, फिर इनको वो शर्त लगा रहे, तो जो उन्होंने कहा प्रेम उतना तुम जो शर्त लगाएगा तो मानते हुए तुमको खिलाऊंगा। उन्होंने कहा सब करके ये चीज़ हम पसंद करते हैं, फिर किसी में नमक नहीं देना, नमक छोड़ के बनाओ हम खा सकेंगे, ठीक वैसे ही करा जाएगा। सब स्वामी विवेकानंद जी ने व्यवस्था करी, नमक छोड़ के और सबको खिलाया। जब सब लोग खा रहे थे
विवेकानंद जी आंसू बहा रहे हैं, प्रेम की आंसू, और दूसरे ब्रह्मचारी को कहते हैं देखो इस गरीब लोगों को ऐसा खाना शायद 10 साल से कि 15 साल से 20 साल कहीं नहीं मिला हो, कोई उसको बुला के बैठ के क्या खिलाया नहीं हो, कितना आनंद से खा रहे हैं, देखो इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुमको जीवन में, तुम्हारा शास्त्र वास्त्र सब फेंक दो, इस जीवन के लिए कुछ की जरूरत नहीं है, इन गरीबों की सेवा करते जाओ, इसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। गरीबों की सेवा, उनके अंदर परमात्मा ही है, परमात्मा ही मेरे पास गरीब के रूप से आए हैं, उनकी सेवा परमात्मा की सेवा है, ऐसा सोच के करो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा बोल के स्वामी जी अपने गुरु भाइयों को एक बार बोला देखो हरि भाई, हरि महाराज जीवन के स्वामी तुल्यानंद जी बड़े प्रेम से बात करते थे उससे, तो हरि भाई से बोलते हैं हरि भाई मैंने इस युग के लिए इस साधारण लोगों के लिए ऐसा रास्ता खोल दिया है मोक्ष के लिए, जिस रास्ते से जाके ये शिव ज्ञानी जीव सेवा सब मनुष्य के अंदर परमात्मा का दर्शन करते हुए सेवा करते हैं, जो वे वही जान स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ जीशु ने प्रार्थना करके पहुँचा, जहाँ बुद्ध ने ध्यान करके पहुँचा, ऋषि मुनियों ने यज्ञ यज्ञ से पहुँचा, उसी जगह में ये लोग इस जीव की सेवा करते हुए पहुँच जाएंगे, ये रास्ता हमने खोल दिया। ये स्वामी विवेकानंद जी का वरदान है, श्री रामकृष्ण देव का वरदान है, ये रामकृष्ण मिशन ये एक मिशन है इस दुनिया में। आज के नौजवान लोग, नवयुवती लोग आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहते हैं और तो वो चाहते हैं कहाँ जावे, तो मैं उनसे यही कहता हूँ तुम जिस जगह भी जाओ तो जिस जगह में सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए तुम्हारे आत्मोन्नति के लिए जो तुम्हें लिया जाता है उसके लिए तुमको ट्रेनिंग दिया जाता है, ऐसे जगह में जाके ज्वाइन करो। और वो लोग कहते हैं स्वामी कहाँ जाएं, जहाँ जाने पर भी पहले पूछते हैं तुम क्या तो तनख्वाह मिलता है महीने में, कितना परसेंट हमको दे सकते हो, यहीं से शुरू करते हैं। बड़े बड़े धार्मिक संस्थाएं जहाँ पाने पर भी ऐसा होता है, आप जो बोलते हैं ऐसी संस्था कहाँ है, ऐसा संस्था है श्री राम कृष्ण देव की संस्था में जाओ, वहाँ एक जगह है इस दुनिया में जो लोग कहते हैं तुम्हें आध्यात्मिक जीवन बिताना है, ध्यान भजन करना चाहिए, तुम्हारे ब्रह्मचर्य का पालन करके शुद्ध जीवन बिताना चाहिए, भगवान को बुला के आनंद मिलना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, यहाँ आओ, ये अच्छा काम करो, अच्छा जीवन बिताओ और कुछ की चिंता मत करो, तुम्हारा खाना पीना और तुम्हारे सब कुछ एक दिन के नहीं है आखिरी जीवन तक देखेंगे हम, तुम्हारे सुख करना चाहिए, तुम अच्छे जीवन तुम बिताओ, दूसरों को कुछ सेवा करो, इतना ही करो और कुछ तुम्हारे पास हमें नहीं चाहिए, ऐसा बोलने वाला कोई संस्था प्रपंच में है देखो आज को कोई ने कहा नहीं मिलेगा। हमने आधा दुनिया घूम फिर के आए, चार बार यूरोप अमेरिका घूम के आए, बहुत सी संस्थाओं के बारे में हमने सुनी, भारत में भी तो सभी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह गए हुए हैं, फिर यह एक संस्था स्वामी विवेकानंद जी ने बताया बनाया, इसमें से ठीक ठीक आध्यात्मिकता सरल रूप से सब लोगों को करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए रास्ता खोल दिया। स्वामी जी का बड़ा गर्व था, मैं ऐसा मिशन बनाया है जिससे सभी लोगों को चारों पुरुषार्थ उनको खोल के दिया, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सबके लिए मिलता है इस मिशन में, इतना गर्व से बोलते थे। उनके बाद देखते हैं ऐसे ही हो रहा है, साधारण लोग आने के वक्त बहुत हिचकाते हिचकाते आते हैं, संकुचित भाव से आते हैं कि आश्रम में क्या है क्या नहीं है, फिर जब देखते हैं तो स्वामी जी लोग जो बोलते हैं वैसे ही उसके उनका जीवन है, उनका जीवन देख के अरे ये तो जो बोलते वैसे ही हैं, तो जब खाने का घट्टी पड़ती है तब स्वामी जी लोग भी हम बढ़ते हैं, सीनियर स्वामी जी लोग पृथ्वी महाराज के पास स्वामी यतीश्वरानंद जी कई बार आए हुए हैं महाराष्ट्र में, नागपुर में कई बार आए हैं, तो वे प्रेसिडेंट बेंगलुरु आश्रम थे, हम नौजवान थे कॉलेज से, तो उनके पास में बैठ के खाते थे,
वो 12 बजे घंटे पढ़ने से वो भी आते बैठते, उनके पास में हम बैठ के नौजवान बाहर से कॉलेज से आए हुए हैं उनके पास बैठ के खाते। उनके सामने वही एक ही हॉल में उनके सामने बैठता था वहाँ का गार्डनर माली, माली सामने बैठता था, उसके पास कुछ स्वामी जी बैठते थे। समान समान इसको देख के साधारण लोगों पर ये ऐसा प्रभाव पड़ता है, अरे एक जगह ऐसा भी है संत महापुरुष ठीक ठीक जैसे होते हैं, शिक्षक सबके साथ मिलजुल के। स्वामी रामकृष्णानंद जी मद्रास में जब गए तब उन्होंने स्टार्ट किया पहले केंद्र का, उसके अंतरिम में उन्होंने पहले पहल क्या किया, पहले बड़ा उत्सव श्री रामकृष्ण देव के जन्मोत्सव मनाया। उस जन्मोत्सव में उन्होंने कहा सभी लोगों को जात पात के कोई भेद नहीं, हम एक साथ बैठ के खाएंगे। तो 1000-2000 उस जमाने में सबको बुलाओ सबके खाना बनाओ, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी, इकट्ठा करा उन्होंने सब खाना वाना करके। जब बैठने लगे तब तो उसके आगे कभी दक्षिण में कहीं नहीं का देखा था कि चारों वर्ण एक साथ बैठ के खाते हैं, पंचम वर्ण भी एक साथ बैठ के खाते हैं। स्वामी रामकृष्णानंद को सब लोग प्यार करते थे, इतना प्रेम करते थे, वो कोई कुली आने पर भी आश्रम में उसको प्रसाद देते थे, कहते थे ठाकुर जी का प्रसाद से मनुष्य शुद्ध होता रहे, इसलिए हर एक कुली आवे जो भी आवे बिना प्रसाद कर किसी को जाने को नहीं देना, तो सब लोग देखते थे। इसलिए जब श्री रामकृष्णानंद जी खुद वो लाइन में पहले बैठे खाते तब उनके पास में सभी जात वाले एक साथ बैठे। पहले बार दक्षिण भारत में उन्होंने दिखाया ये रामकृष्ण देव आए हैं, नया युग शुरू हो रहा मेला है, सब भेद छोड़ो, मनुष्य 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 भगवान का संतान है, हर एक मनुष्य के अंदर परमात्मा है, उसकी पूजा करो, तुम्हारा उद्धार उद्धार होगा, देश का उद्धार होगा, प्रपंच का उद्धार होगा। स्वामी जी का यह जो जीव जीव में जो शिव की सेवा करना, सारी दुनिया इसको वेलकम किया। मैं मॉरिशस में गया था, यही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। मॉरिशस में गया था, आप सब जानते हैं मॉरिशस हमारा देश का भाग नहीं है, वो अलग आइलैंड है, फिर वहाँ के जितने निवासी हैं मेजॉरिटी भारतवासी हैं, तो हमारे जो कूली नाली एक समय में कॉन्ट्रैक्ट में गए हज़ार हज़ार, अभी वो लाखों हो गई, तो वे ही मॉरिशस के रूलर्स बन गए। वहाँ का चीफ मिनिस्टर वो सब हर वक्त ही वो हिंदू ही होता है, 80% हिंदू से हैं। वहाँ हम दो बार गए थे, वहाँ वो विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट सेंटर है वो, तो वहाँ दूसरा बार जब गया 1999 में ऐसा, वहाँ उन लोगों ने बताया स्वामी जी यहाँ बड़ा ऑडिटोरियम बना है 10,000 सीटें उसके अंदर, हाँ ये मॉरिशस तो छोटा सा आइलैंड है, यहाँ 10,000 सीट का ऑडिटोरियम, हमारे देश में ही तो 10,000 ऑडिटोरियम बहुत कम है। तो उन्होंने कहा और क्या समझते हैं, उस ऑडिटोरियम का नाम दिया है स्वामी विवेकानंद जी का कॉन्फ्रेंस हॉल फॉर इंटरनेशनल कल्चरल कॉन्फ्रेंसेस, ऐसा लिखा द हॉल फॉर स्वामी विवेकानंद हॉल फॉर इंटरनेशनल कल्चरल कॉन्फ्रेंसेस लिखा, विवेकानंद जी का नाम से यह बड़ा हॉल, चलो देखेंगे। वहाँ जाने से उसके एंट्रेंस में ही विवेकानंद जी की मूर्ति है, उसके नीचे लिखा हुआ है जगत में गरीबों को पिछड़े हुओं को कष्ट में रहने वालों को जाति पांत धनी धनी गरीब कोई भेद छोड़कर सबके सेवा भगवान के रूप से को जो करेंगे ये विश्व धर्म हो सकता है, ये विवेकानंद जी का उद्गार उसमें लिखा है। स्वामी जी का यह जो उपदेश इस युग का धर्म है, मनुष्य के अंदर भगवान को देखो, मनुष्य की सेवा करने से भगवान की सेवा करो, साथ ही साथ तुम्हारे लिए भी तुम चेष्टा करो, फिर दोनों एक साथ जाना चाहिए, इस अभ्युदय एवं निषेय दोनों हमें मिलना चाहिए। ये जगत में जो आनंद मिलना चाहिए हमको, गौरव से जीना है, शांति से जीना है और आनंद से जीना है, उसके लिए भी हम चेष्टा करनी चाहिए,
साथ ही साथ और आध्यात्मिक जीवन में भगवान का दर्शन मिलना चाहिए। उसके लिए धीरे 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 आगे बढ़ के जाना चाहिए। जीवन में हमें भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, उसको भी तो प्राप्त करना चाहिए। ये दोनों को प्राप्त जो कराता है वही ठीक ठीक धर्म है। श्री राम कृष्ण का धर्म वही है। श्री राम कृष्ण के धर्म पर आप ये शिवज्ञानी जीव सेवा का धारा तो आपका मन शुद्ध हो जाता है और उसके साथ साथ आपका निस्वार्थता बढ़ती है। स्वार्थ कम हो जाता है, जहाँ स्वार्थ चला जाता है भगवान ही उसके हृदय में आते हैं। आप भगवान हैं अभी सुन रहे हैं, तब भगवान हैं उसका बोध करेंगे। अब आपके अंदर ही भगवान हैं, आपका बोध होता है, आप अनुभव करते हैं। ये होता है ये शिवज्ञानी जीव सेव का द्वारा। साथ साथ श्री रामकृष्ण कहते हैं सवेरे शाम को थोड़ा कुछ जप करो, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम के अंदर ऐसी शक्ति है तुम्हारे सारे पाप, इस जन्म के नहीं है हजारों जन्म का पाप हो, भगवान का नाम से सद्गुरु से जब मंत्र मिलता है उसके जप से सब उठ जाएगा। सब लोगों को पूर्ण शुद्ध करके जप ही आपको सब मोक्ष में पहुँचा देगा। ऐसे अच्छे अच्छे तारक मंत्र देने वाले गुरु कहे हैं, गुरु परंपरा श्री राम कृष्ण देवता तैयार कर दिया। उन्होंने ऐसे महापुरुष को यहाँ लाए अपने आप संप्रदाय में, स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद जी, प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी ने दीक्षा नहीं दी, सिर्फ ब्रह्मानंद जी और विवेकानंद जी के द्वारा कितने हजार हजार गुरु समाज तैयार हो गए। उनके शिष्य तो अभी शिष्य परंपरा चलती है। इनके साथ, इनके हाथ से और उनके जी से जो भी हो महापुरुष, तो ऐसे उनके हाथ से अच्छा मंत्र प्राप्त कर लो, उसका जप करते जाओ। एक तरफ जप करते करते आपको निश्रेयस मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, और शिवज्ञानी जीव सेवा के द्वारा आपको अभ्युदय मिलेगा। ये जगत में आनंद से रहेंगे। जो जीवों की सेवा करता है वो हमेशा वो भी आनंद में रहता है। दूसरों की भलाई के लिए जो चेष्टा करता है वो खुद भी भला होता है। तो ये दोनों को मिला देने वाला, अभ्युदय और निश्रेयस को देने वाला जो धर्म होते हैं वही ठीक ठीक धर्म। अभ्युदय निश्रेयस साधको स धर्म, धर्म की व्याख्या। धर्म की व्याख्या में ठीक ठीक धर्म वो है जिसके द्वारा आपको इस जगत में भी आनंद मिलना चाहिए एवं आपको मोक्ष भी मिलना चाहिए। श्री राम कृष्ण ने दोनों को मिला के इतना सरल रूप से हमको सिखाया। सिर्फ दो किताब आप बड़ी रोज अपने भाषा में भी मिलता है, इंग्लिश भाषा में भी मिलता है, वो है श्री राम कृष्ण देव की जीवनी, उनका वचनामृत, और माता जी का जीवनी और वचनामृत। ये दोनों को पढ़ने से आपको इतना प्रैक्टिकल हिंट मिलेगा। आपको प्रैक्टिकल आपके जैसे दैनंदिन जीवन में आप पालन कर सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया के आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इतना प्रैक्टिकल उपदेश में मिलते हैं। रोज ये दोनों पढ़ते जाइए, आपको सारे वेदों में जारी का आपको मिल जाता है। दोनों मिला देता है आपको इस जीवन में निश्रेयस और अभ्युदय। ऐसे भाग्य आप लोगों को मिले। भगवान श्री राम कृष्ण, शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद जी आप सबों पर, हम सबों पर आशीर्वाद करें कि हम सब लोगों को अभ्युदय और निश्रेयस मिले। उनकी कृपा से यही प्रार्थना करते हुए आज को जो अवकाश मिला मुझे, इसके लिए जिन्होंने चेटा करके हमें अवकाश दिया है उनके प्रति मेरे कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे बातों को विश्राम देता हूँ। जय राम कृष्णा, ओम शांति शांति शांति। आता महाराज आपलेच आहे, त्यामुळे त्यांचे आपण शब्दाद्वारे कितीही आभार मानले तरी कमीच आहे। आपल्या हृदयामध्ये त्यांच्याविषयी प्रेम असणं, आंतरिक प्रेम, हेच खरोखर आभार प्रदर्शन आहे। तेव्हा महाराजांनी अशीच पुण्याच्या भक्तांवरती कृपा करत राहावी अशी त्यांना प्रार्थना करतो। आणि यानंतर प्रणाम गवणार आहे
महाराज थोड़े समोर बसले तर पहिले स्त्रियांनी यायचे आहे आणि प्रणाम करून जायचे आहे आणि स्त्रियांचा प्रणाम झाल्यानंतर मग पुरुष वर्ग येतील आणि लाईन मध्ये यायचे आहे. गर्दी करायची नाही, एक एक करून प्रणाम करत पुढे जायचे आहे आणि हा कार्यक्रम झाल्यावर मग बाहेर प्रसाद घेऊन आपल्याला जायचे आहे. तेव्हा परत एकदा आपले सगळ्यांचे आणि श्रीवेड महाराज गौतमजी महाराजांचे फॉर्मल आभार मानतो आणि आजचा कार्यक्रम इथे संपला असं जाहीर करतो. नमस्कार, धन्यवाद. जय श्री गुरु महाराज की जय. जय महामाई की जय. जय स्वामी महाराज की जय. जय श्री पंढरीनाथ भगवान की जय. गणपती बाप्पा भोळ्या, मंगलमूर्ती भोळ्या. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः.